Hello everyone, it's me Soumya and welcome back to my channel. Since Christmas bhi aa raha hai, New Year bhi aa raha hai and also this is my birthday month, I decided to make a delicious chocolate sponge cake. So, let's get started. So these are the ingredients which we need. So start by adding a tablespoon of vinegar in a cup of milk. Dhyan rahe, doodh garam na ho. Mix both the things together and keep it aside. Now yahan mere paas meri plate hai, meri sieve hai and jisme main 2 cups of all purpose flour yani maida, 2 tablespoons of cocoa powder, 1 teaspoon of baking powder, 1.5 teaspoon of baking soda and 3/4 cup of powdered sugar dal ke sab cheezon ko achi tarah se chhan lungi. This is going to be the only messiest step for baking a cake. Iske alawa sari steps kafi easy aur hassle free hain. So I have all my dry ingredients. Now मैं सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को बोल में डाल लेती हूँ. Just giving it a quick mix. And now I'm going to add 1.5 cup of oil. This is normal refined oil. And going to mix everything. This is my second time जब मैं केक में ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना इससे पहले मैं बटर या फिर घी का इस्तेमाल करती थी. And don't worry guys, केक में ऑयल डालने से कोई भी weird taste नहीं आता है. In fact, इससे केक और भी ज़्यादा moist बनता है. Now we will add our milk and vinegar mixture. Gradually add milk. Also make sure कि जो हमने सिरका दूध में डाला था वो भी बिल्कुल टेस्ट नहीं देगा लास्ट में, so don't worry about that too. At this point add a teaspoon of vanilla extract. क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं इसलिए मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट इसमें कम डाला है. अगर हम प्लेन वनीला केक बनाएंगे तो इसमें थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट ज़्यादा डालेंगे. जस्ट मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल. दिस इज द कंसिस्टेंसी विच वी वॉन्ट. हमें एक रिबन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमारे केक बैटर में. Sure, there shouldn't be any lump, any single lump in our cake. So whisk everything really, really well. Now I am adding these chopped nuts to it. Instead of adding these, आप इसमें chopped fresh strawberries या फिर strawberries add कर सकते हैं, या फिर आप इसमें chocolate chips add कर सकते हैं to make it more chocolatey. Batter is ready. Now I'm having this 6x3 inch cake tin. Well, basically एक steel bowl है जो मैं घर में use करती हूँ normally. तो मैं इसको batter को इसमें pour कर दूँगी. Make sure आप किसी भी mold में अपने batter को pour करें. Your mold should be about 1/2 inch empty ताकि cake जब puff हो, rise हो, तब उसको थोड़ा सा space मिले. ये बचे हुए बैटर को मैं इन सिलिकॉन लाइनिंग में भर देती हूँ. एंड नाउ आई एम गोइंग टू बेक ऑल ऑफ दीज टू माय अवन 30 मिनट्स एट 240 डिग्री सेल्सियस. एंड मैंने अपने अवन को ऑलरेडी
240 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, आई थॉट वाई नॉट टू मेक अ स्टेंसिल फॉर आर केक. तो उसके लिए आपको एक पेपर, एक पेन और एक सीजर चाहिए. फोल्ड द पेपर इन हाफ. बिकॉज मैं क्रिसमस थीम केक बना रही हूँ, सो आई एम गोना ड्रॉ अ क्रिसमस ट्री इन द मिडल. आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू कट इट ऑफ एंड दिस इज वॉट यू गेट. तो हमारे स्टेंसिल्स तैयार हैं एंड आई विल शो यू हाउ टू यूज देम जैसे ही हमारा केक बेक हो जाएगा. सो इट्स बीन 40 मिनट्स. हमारा केक अच्छी तरह से बेक हो गया है एज यू कैन सी. लेट्स डू अ टूथपिक टेस्ट. सो मैं अपनी टूथपिक को सेंटर में डालूंगी and it came out clear, which means our cake is perfectly baked. अब मैं इसको ठंडा होने देती हूँ. हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है. Now I'm going to flip it into the plate. Now don't worry, हमारा केक जला नहीं है. It's just आप कभी भी केक बनाएंगे ये हार्ड क्रस्ट जरूर आएगा. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट ऑफ यूजिंग अ नाइफ जस्ट लाइक दिस. लुक हाउ टेक्सचर्ड आवर केक इज. नाउ मैं आपको बताती हूँ कि जो हमने सिरका डाला था उसने क्या किया है. लुक एट द टेक्सचर ऑफ द केक. उसने एक बहुत ही ब्यूटिफुल जाली इसके अंदर फॉर्म की है जो कि केक की पहचान होती है. दैट केक इज परफेक्टली बेक्ड. बिफोर वी डू प्लेटिंग हमें इसे थोड़ा डेकोरेट करना चाहिए. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे वो स्टेंसिल्स का यूज़ करके हम अपने केक को डेकोरेट कर सकते हैं. मैं ये वाला स्टेंसिल रखूँगी. छल्ली में थोड़ी सी पाउडर्ड शुगर डालूंगी एंड आई विल सीव इट एट द टॉप केयरफुली. ध्यान रहे पेपर को बहुत आहिस्ता से उठाएं, अदरवाइज शुगर पूरा केक पर गिर जाएगी एंड योर केक विल बी रियल. We got our image. मैं थोड़ा सा पाउडर शुगर चारों तरफ केक के स्प्रिंकल कर रही हूँ. Just to give it a little bit snowy effect. So our cake is totally ready. तो हमारा केक डेकोरेट हो चुका है and now चलिए उसे कट करते हैं. Look how soft and easily it is cutting. प्लेटिंग के लिए मेरे पास एक वुडन प्लेटर है जिसमें मैंने चॉकलेट सॉस रखा हुआ है एंड आई हैड ऑल्सो पुट सम फेक स्ट्रॉबेरीज. वेल बेसिकली ये जेली स्ट्रॉबेरीज है. सो आई एम गोना पुट द केक पीस इनटू माय प्लेट गार्निशिंग इट विद सम चॉकलेट सॉस एंड आलमंड एंड वोला इट्स रेडी टू ईट. Now let's have a bite. Look at the texture of the cake. It is that good. Look at the texture. And it's very delicious, very moist, very soft. मैं तो पूरा केक खाने वाली हूँ. वेल अगर आपको भी केक खाना है तो आप कर क्या रहे, उठिए अपना केक बनाइए एंड देन क्लिक पिक्चर्स एंड पोस्ट इट टू माय सोशल मीडियाज. और अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है केक से रिलेटेड, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ये हमारे दो मफिन्स जो हमने बेक किए थे लास्ट में, ये भी बहुत परफेक्टली बेक हुए हैं. सो या दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. आई रियली होप दैट आपको ये केक की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी एंड इफ यस देन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई.
click a picture and then post it to my social medias. Since this is the last video of 2018, I just want to thank all of you guys just for making video for like, dislike, share kiya, mere videos ke liye comment kiya, and also those of you guys who have messaged me on my Instagram and keep on motivating me. So please guys, keep on supporting me. Also make sure that maine Christmas ki do videos aur last year banayi thi, so you can definitely check it out. The link for that is in the description box below at the top of me, and aapko video ke end mein bhi mil jayegi. So definitely go and check them out too. And also, if you like this necklace which I'm wearing, I made it myself. You can watch the video for that too. I will link all the videos in the description box below. Until then, thank you so much for watching. Wish you a Merry Christmas and a very happy and a prosperous Happy New Year. Until then, I'll see you next year. Bye!